भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बंगाल में घबरा गई हैं, और उसका एक पैटर्न देखिए आप, प्रधानमंत्री की सभा आपने टीवी पर दिखाई थी, कितनी जबरदस्त सभा थी, और जानबूझ के उनको एक मैदान छोटा दिया गया और उसमें भी 40-50 लोग डिस्टर्बेंस कर रहे थे, आपने देखा होगा। दूसरी मीटिंग, हमारे अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, कल भी परमिशन नहीं दी, कल दो सभा उनकी सभा थी, कल भी है। राजनाथ जी को रात में 1 बजे अलाउ किया टेक ऑफ करने के लिए, क्या मतलब है इसका? ऐसी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को वो ऐसे नहीं रोक सकते, वो एयरफोर्स के प्लेन से जाते हैं तो उनकी मीटिंग का हॉल स्थान छोटा कर दो, उसमें डिस्टर्बेंस कराओ, फिर भी जनता आ जाती है, पीएम को कहना पड़ता है शांत रहिए, बाहर रहिए। इसके पहले पंचायत के चुनाव में क्या हुआ आपने देखा होगा, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, और ये तो भारत में पहली बार हुआ कि काउंटिंग सेंटर में बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग हो रही थी, और जो जीत गए उनको बंगाल से बाहर जाकर के शरण लेना पड़ा। इन सबों के बावजूद वहां बदलाव की बयार बह रही है, और ममता जी जो कल से कर रही हैं, तो एक हमारा और आकलन है, गठबंधन के बीच में ममता जी अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनकी यह सोच है कि लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज द लीडर ऑफ दिस अपोजिटिक अलायंस, तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब मायावती जी से पूछना है आपका क्या होगा, राहुल गांधी से कोई पूछना पड़ेगा आप कहां रहेंगे, और बाकी छोटे बड़े कई हैं, देखा जाएगा। लेकिन पार्टी की ओर से हम इसकी भर्त्सना करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार के ईमानदार जांच के सामने जांच एजेंसी नहीं झुकनी चाहिए। और हम ये भी कहना चाहेंगे, जितना भी अत्याचार करना है ममता जी कर ले, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं झुकेंगे और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। और आज जब मैं यहां बैठा हूं, मैं बंगाल के एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के वहां के नेता, हमारे प्रभारी, हम सबों के प्रति अपना अभिनंदन करना चाहते हैं, कितनी हिम्मत के साथ उन्होंने इस तानाशाही रवैये के खिलाफ साहस दिखाने का काम किया है। और मित्रों, ये कोई पहली बार नहीं कर रही है ममता जी, हमारे दफ्तर ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। याद होगा एक बार सेना जो है वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक टेस्टिंग कर रही थी अपने जवानों के लिए, तो उन्होंने उसको भी परमिट नहीं किया था। उनका एक शब्द था, आई हैव नो फेथ इन द इंडियन आर्मी, याद होगा आपको। जब रॉ कैरिड आउट बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेशन, तो रॉ की आलोचना कर दी, ये नवंबर 2014 की बात है। आपको याद होगा कि जब इनकम टैक्स के प्रॉब में सीआरपीएफ को लगाया गया सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने उसका भी विरोध किया था। और एक दो पुलिस ऑफिसर ने कुछ मर्डर एक्यूज जो टीएमसी के थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, तो उनको बहुत डिमोरलाइज किया। उन्होंने सीएजी को भी कोऑपरेट नहीं किया, और चुनाव आयोग के साथ तो जो करती हैं आपको पता ही है। तो आज हम एक अंत में मैं बड़ा सवाल रखना चाहता हूं, फिर आपके सवालों का उत्तर दूंगा। हमारे खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है, संस्थाओं को लेकर, मोदी जी, अमित शाह, भाजपा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है टीएमसी के द्वारा, चाहे वो चुनाव हो पंचायत का या लोकल बॉडीज का, या विपक्षी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और आज मुझे लगा है कि एक बात आज मुझे दिल्ली के अपने पत्रकार मित्रों को बताना चाहिए। ममता जी ने कहा सीबीआई बंगाल में नहीं आएगी, उनकी देखा देखी चंद्रबाबू नायडू ने और शायद छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी कहा है, एमपी ने भी कहा है, नहीं कहा है। याद करिए,
मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे 14 साल, कांग्रेस पार्टी ने कितने सुनियोजित तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन किया, राइट को लेकर, इशरत जहां केस को लेकर। अमित भाई तो हमारे गिरफ्तार भी हुए। मोदी जी एक लोकप्रिय नेता, लगभग 12 घंटा उनका इंट्रोगेशन चला था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो एविडेंस, और सही कहा। कभी क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं सीबीआई को गुजरात में घुसने नहीं दूंगा? यह है भाजपा की प्रामाणिकता संस्थाओं के प्रति। इतने अधिक टॉर्चर के बावजूद जहां हमारे मुख्यमंत्री को इंटरोगेट किया जा रहा है बेबुनियाद तरीके से, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय होम मिनिस्टर थे उनको जेल में डाला गया और बाद में कुछ नहीं पाया गया, आपको मालूम है कोर्ट ने भी कहा कि देयर इज नो एविडेंस, उसमें भी नहीं कहा गया कि सीबीआई को हम गुजरात में घुसने नहीं देंगे। तो हमारी प्रामाणिकता संस्थाओं के प्रति, लोकतांत्रिक शुचिता के प्रति कितनी है और उनकी कितनी है यह स्पष्ट है। लेकिन बंगाल की जनता सुभाष बाबू, विवेकानंद, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष की परंपरा से आती है। वो कभी इस तरह के दबाव के आगे झुकती नहीं है और झुकेगी भी नहीं।